वेलकम बैक गाइस टू SRS। मैं हूं समीर और आज हम देखेंगे एक बहुत ही सिंपल प्रॉन्स रेसिपी, प्रॉन्स तवा फ्राई विदाउट एनी कोटिंग। इससे प्रॉन्स इतना टेंडर कुक होता है विद ऑल इट जूसेस रिटेन। माय 6 ईयर्स ओल्ड सन श्रीहान लव्स इट लाइक क्रेजी। आई बिलीव कि आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमें चाहिए मिनिमम 6 to 7 मीडियम साइज प्रॉन्स। मैं सी प्रॉन्स प्रीफर करता हूँ। चलो देखते हैं इस प्रॉन्स को साफ कैसे करेंगे। इसको सीजर के हेल्प से सेंटर से कट कर लेना है, शेल्स को निकालना नहीं है, और अंदर से जो ब्लैक कलर का थ्रेड, काला धागा जिसे हम कहते हैं, उसको निकाल लेना है। इसको निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अदरवाइज डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलो जल्दी से प्रॉन्स को मैरिनेट कर लेते हैं। तो पहले डालेंगे हमारा ट्रेडिशनल 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि सारे फिश रेसिपीज में जाता है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि सिंस शेल्स ऑन है तो हमको शेल्स के अंदर भी वो मैरिनेट को भरना है, वो जो मिक्सचर है उसको भरना है। 10 से 15 मिनट हमें इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है और उसके बाद वो सारा फ्लेवर प्रॉन्स में आ जाएगा, एंड देन हमको उसको फ्राई करना है। तो चलो जल्दी से फ्राई की तैयारी करते हैं। तवा गर्म हो चुका है तो उसमें ऑयल डालेंगे। उसको गर्म करके उसमें डालेंगे फर्स्ट करी लीव्स, 2 से 3 गार्लिक की कलियाँ। उसको थोड़ा सा पका लें, उसके बाद जाएगा उसमें हमारी प्रॉन्स, मैरिनेटेड प्रॉन्स, जो कि आप देख पा रहे हैं। ज़्यादा प्रॉन्स ना डालें तवा में, तो गैप रख के ही इनको पकाना है। एक 3 से 4 इज सफिशेंट। को पका ले 4 से 5 मिनट एक साइड से, और फिर उसके बाद उसको टर्न करना है, फ्लिप कर लेना है, और सेम अगेन उनको लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाना है। प्रॉन्स पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, तो ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, और आप देख पा रहे हो कि कलर कैसे चेंज हो रहा है। और यस, फटाफट ये रेडी भी हो चुके हैं अभी हमारे प्रॉन्स। तो इनको ऑलमोस्ट साइड कर लेते हैं ऑयल निकालने के लिए, ड्रेन करने के लिए। तो लो, प्रॉन्स आ चुकी है तवा से बाहर और ये डिश ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में फटाफट रेडी हो चुकी है। बच्चे जो हमेशा रश में रहते हैं और चाहिए रहता है कि जल्दी जल्दी खाना दो, उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है मैं कहूँगा। बड़े भी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। आप इसे स्टार्टर के जैसे खा सकते हैं। आई बेट कि आपने इतने जूसी प्रॉन्स कभी खाए नहीं होंगे, तो आप इसको करी राइस के साथ भी पेयर करके खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।